व्हाट इज अप गाइस, आदर्श हियर। तो देखो आप लोगों का हमको रिक्वेस्ट समझ में आ गया कि आप लोग चाह रहे थे कि हम टावर ऑफ इल्यूजन के ऊपर वीडियो बनाएं, जो कि आप लोगों का कहना एकदम ही सही है, ठीक। मगर क्या है, मगर मतलब क्या, मगरमच्छ, ठीक। टावर ऑफ इल्यूजन को अगर आप लोग खेलना है तो उसके लिए आप लोगों को ना अल्टीमेट रेट के बारे में ज़्यादा अच्छे से मालूम होना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। तो इसलिए हम आज कोशिश ये करेंगे कि जो हम लोग ये नए अल्टीमेट कैरेक्टर्स आए हुए हैं और जिसमें हम लोग सबसे अच्छा एग्जांपल मुकाई होने वाला है, भाई इनका सीन क्या है, ठीक। इनको जब तक आप लोग अच्छे से नहीं समझ पाओगे ना, तब तक चीज़ ये हो कि जो पूरा टोटल नया अपडेट आया हुआ है इसको आप थोड़ा आप लोगों को मतलब क्या बोलते हैं ग्रैस्पिंग थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, ठीक। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले मुकाई को ही पकड़ेंगे। और आप लोग बस एक चीज़ नोटिस करो, ये सीपी देख रहे हो, सीपी इतना सीपी अपना गांव में किसी का देखे थे, और ऐसे नहीं बोलना चाहिए मगर हाँ बस कॉमेडी समझो कि भाई इसका सीपी 7 लाख है, ठीक। और फन फैक्ट, 7 लाख कब है कि हम इसको सिर्फ ये सड़ा हुआ कार्डसेट दिए हुए हैं, मगर यहाँ देखो एक भी स्टोन नहीं है कि इसको एक भी स्टोन दिए हुए हों हम, ठीक। और ये भी जो कार्ड्स इसको दिए हैं ये आप लोगों को पता है ये सीपी गेन वाले कार्ड्स नहीं है, ठीक। और उसके यहाँ पे कोई भी प्लगइन भी नहीं दिए, मतलब ये पूरा चिकना मुकाई, चिकना मतलब क्या बोले, चिकना बोलना थोड़ा मुश्किल है मुकाई को क्योंकि थोड़ा उबड़ काबड़ है, थोड़ा ज़्यादा ही मस्कुलर है यार। मगर हाँ चीज़ ये कि ये बिना किसी इक्विपमेंट के, जो हम लोग का नया चीज़ आया हुआ है उसके, इसका सीपी 7 लाख है, तो हाँ भाई लोग ये थोड़ा ज़्यादा ही मतलब सीपी है। मगर यहाँ पे लोग कॉमेडी चीज़ ये कि सीपी अब उतना मैटर नहीं करने वाला अनलेस आप लोग पुराने गेम मोड्स खेल रहे हो। अगर आप लोग नए गेम मोड्स खेल रहे हो तो वहाँ पे आप लोगों को सीपी नहीं देखना है, आप लोगों को अपना ओपी देखना है। ये हम लोग का ओवर पावर नहीं, ओवरऑल पॉइंट्स होने वाले हैं। जैसे कि आप लोग बोले भाई इसका काम हम लोग कहाँ आने वाले, तो आप लोग चलो डंजन में ही चलते हैं जहाँ पे हम लोग को नए वाले कैप्सूल्स कलेक्ट करें, तो आप लोगों को यहीं पर करने पड़ेंगे। तो आप लोगों को यहाँ पर एक्सपीरियंस क्रश में और यहाँ पर आके इन सभी स्टेजेस खेलना पड़ेगा। और आप लोग यहाँ देख रहे हो रिकमेंडेड ओवरऑल पॉइंट्स यहाँ लिखा हुआ है, ठीक। और यही आप लोगों के ओपी होने वाले हैं। अब जैसे कि यहाँ सीपी मेरा 7 लाख है मगर मैं ओपी सिर्फ 2250 है, तो क्या हम ये 2500 पॉइंट्स वाले मैच खेल सकते हैं? इसका आंसर है नहीं, जो कि अभी आप लोगों को हम दिखाने वाले हैं। सीपी से हम लोग को अब कुछ खास मतलब नहीं, यहाँ पे आप लोगों को ओपी देखो कितना डैमेज करेगा, देख रहे हो, स्टक भाई साहब, स्टक, कुछ नहीं कर सकते अब। अरे दो का डैमेज कर रहा है, इतना सीपी लेके भी 2 का डैमेज, क्या सेंस बना रहा है ये? नहीं। मगर हाँ यही हम लोग का नया गेम मैकेनिक होने वाला है। और हाँ मुकाई अनलिमिटेड प्रोजेक्टाइल्स भी फेंक सकते हैं अगर आप लोग उसको सही से लेकर खेलते हो तो, ठीक है। देख रहे हो खाली आग का गोला नहीं पत्थर का गोला फेंके जा रहा है। और अच्छा ठीक है, पत्थर फेंके जा रहा है, इसके बारे में आगे ज़्यादा नहीं बोलेंगे। हाँ तो बस चीज़ यही है कि आप लोगों को अगर अब नए वाले गेम मोड्स में एंटर करना है तो आप लोगों को अपने ओपी बढ़ाने पड़ेंगे, जो कि आप लोगों के ओवरऑल पॉइंट्स होने वाले हैं। अब आप लोग मन में सवाल है भाई ये पॉइंट्स कहाँ से बढ़ाएंगे हम लोग, तो इसका भी एक सिंपल सा आंसर आप लोगों को दे रहे हैं, आपको अपने कैरेक्टर्स को अवेकन करना है। जैसे कि आप लोगों को मुकाई ऑलरेडी A5 पर मिला होगा तो उसका ओपी अराउंड 2000 के 1800 समथिंग था, जितना अभी हमको ध्यान में आ रहा है, हम उतना गौर नहीं किए। मगर जब इसको अवेकन लेवल 60 तक लेके जा चुके हैं, ठीक, तो हम इसका ओपी अभी देख रहे हैं 2250। और ये ओपी जितना हम देख रहे हैं यहाँ पे सभी कैटर्स पास है, जैसे कि लेवल 90 पे 1350 रहेगा, फिर लेवल 60 पे 900 है, लेवल अवेकन लेवल 70, अवेकन लेवल 70 में 2400 होने वाला है, और फिर उसके यहाँ पे 1800, मतलब आप लोगों के अवेकन लेवल के बेस्ड हो पे ही आप लोगों को यहाँ पे ओपी मिलने वाले हैं। अब आप लोग जैसे मुकाई को आप लोग लेवल 60 कैसे लेकर जा सकते हो, क्योंकि ये तो हम लोग समझ कर नहीं सकते। तो सबसे पहले आप लोगों का काम ये करना है कि जितने भी अल्टीमेट कैरेक्टर्स आए हुए हैं इनका एफिनिटी बढ़ाना है, क्योंकि अगर आप लोग इनका एफिनिटी अप टू 15 तक लेकर जाते हो तब आप लोगों क्या मिलेंगे मालूम है, 700 प्राइम शार्ड्स, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर आना पड़ेगा क्राफ्ट मेन्यू में, और यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो कि आप लोगों को इन शार्ड्स की जरूरत है, ठीक है, प्राइम मेमोरी शार्ड्स की जरूरत है, तो 700 आप लोगों को सिर्फ अवेकन नहीं एफिनिटी बढ़ाने से ही मिल जाएंगे। और बाकी हम यहाँ पर कलेक्ट के हम लोग के एक्सचेंज शॉप में आते हैं, और शायद काया एक्सचेंज शॉप में, हाँ ये रहा, तो आप लोग यहाँ पर से भी और मिल जाएंगे। तो हम आप लोग यही रिकमेंड करें कि आप लोग यहाँ पर आना और मुकाई को अपग्रेड कर लेना, और यहाँ पे आप लोगों को मुकाई के लिए भी अल्टीमेट शोज भी मिल जाएंगे, और यहाँ पे एक स्पेशल कार्ड सिलेक्टर भी, जो कि हम पर्सनली बोलें कि आप लोग यहाँ से मत परचेज करना, ठीक है, यहाँ से परचेज मत करना, आप लोग बेकार काया कॉइन्स को अपने वेस्ट कर दो, कि हम रादर बाकी सारे रिसोर्सेज में इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रीफर करेंगे काया कॉइन्स को, ठीक है। अब आप लोग काया कॉइन्स
के बजाय कहाँ से पा सकते हो, आप लोग आना कोऑप इवेंट में, और ये इंडिविजुअल में अगर आप लोग आखिरी में आते हो तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आप लोग यहाँ से भी मुकाई का 3PG कलेक्ट कर सकते हो। तो हाँ, मुकाई का 3PG के लिए अपने काया कॉइंस को वेस्ट मत कर देना। और उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इन कैरेक्टर्स के इनडेप्थ एनालिसिस के बारे में, क्योंकि हम लोग बस फैंटम, अल्टीमेट, फिर मोमेंटम, ओवरपावर, बहुत सारे इफेक्ट्स आए हुए हैं। तो अगर हम लोग प्रोफाइल में देखें तो स्टैट्स में अगर आप लोग एक चीज़ गौर करते हो तो इनका CP अटैक, ये दोनों बहुत ही नेक्स्ट लेवल का हो जा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग का क्रिटिकल डैमेज 142% है, ये अगर हम कुछ अच्छे कार्ड लगा दें तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मगर हम लोग यहाँ फैंटम अटैक, डिफेंस, फैंटम पेनिट्रेशन, गार्ड पेनिट्रेशन तो हम लोग को पता है ऑलरेडी था हम लोग पास, मगर हाँ ये जो फैंटम अटैक, डिफेंस और पेनिट्रेशन है इसके बारे में हम लोग को अच्छा जानना पड़ेगा, जो कि इसके लिए हम लोग यहाँ पर आएंगे। हम लोग आएंगे, स्टैट्स हम लोग चेक कर चुके हैं, हम लोग कोर भी देख ले। तो मुकाई का अगर हम बात करें तो हम लोग का 700% अटैक इंक्रीज, उसके 31 पावर चार्ज रेट, डिफेंस 200%, क्रिटिकल रेट 25%, ब्लास्ट स्किल का डैमेज 250%। और यहाँ पर अगर आप लोग गौर करो, यहाँ अटैक प्लस, यहाँ पर अटैक ट्रिपल प्लस है जहाँ पर 700 हो रहा है, यहाँ डबल प्लस जहाँ पर 200 हो रहा है, यहाँ फिर से हम लोग डबल प्लस में 25 हो रहा है, डबल प्लस में 250 हो रहा है, तो ऐसे करके है। फिर यहाँ बैटल इंस्टिंक्ट भी है, और यहाँ पर देखो इतने सारे स्किल्स हैं जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले आराम से, ठीक। तो हम लोग का पहला है बैटल इंस्टिंक्ट लेवल 3, जो कि है हम व्हेन बैटल स्टार्ट्स अटैक इंक्रीज अटैक बाय 100% ऑफ डिफेंस, तो भाई भयंकर टाइप का अटैक इंक्रीज होने वाला है। वाइल गैगेंटिक एक्टिव टू स्कूल डाउन, मतलब सेकंड एक्टिव स्किल का कूल डाउन रीसेट हो जाएगा फाइनल बेसिक अटैक पे, रॉक थ्रो जो हम लोग का है। और उसके बाद वाइल गैगेंटिक बेसिक अटैक डैमेज इंक्रीज बाई 1000% फॉर 3 सेकेंड्स अपॉन यूजिंग एक्टिव टू। अब ये गिगेंटिक का जो बात करें, जो आप लोग मुकाई को लेकर खेले हो कि आप लोग देखो मुकाई एटम्स साइज बड़ा हो जाता है, मगर आप लोग गार्ड करते हो वापस छोटा हो जाता है, ठीक है। तो ये तो उसका बैटल इंस्टिंक्ट वाला हो गया। फिर मार्शल आर्टिस्ट विल में क्या है, इंक्रीज डिफेंस बाई 10% फॉर 10 सेकेंड्स, ठीक है। वेन अटैक इंक्रीज डिफेंस ऑफ ऑल टीममेट्स एक्सक्लूडिंग सेल्फ बाई 50% ऑफ ओन डिफेंस फॉर 10 सेकेंड्स अपॉन यूजिंग एक्टिव स्किल 3। तो हाँ, आप लोग अपने टीममेट्स का डिफेंस 50% इंक्रीज कर सकते हो एक्सक्लूडिंग सेल्फ अपना नहीं, स्किल 3 से। और उसके बाद यहाँ स्टेट फास्ट रिजॉल्व, हम लोग यहाँ पेट्रीफाई, फियर, शॉक, पॉइजन, इन चार इफेक्ट से इम्यून है। उसके डैमेज रिसीव हम लोग 80% डिक्रीज हो, हम लोग का HP 60% से या नीचे रहे। और आप लोग इन सभी जो डैमेज रिसीव डिक्रीज हो रहा है, उसका जो HP इंक्रीज हो रहा है, इसका सबसे फायदा आप लोगों ने टाइम अटैक देख लिया मिल जाए, क्योंकि टाइम अटैक क्या होता था कि हम लोग बहुत जल्दी HP लूज़ करते थे, मगर इस बार सीन कुछ उल्टा है। यू आर द बॉस नाउ, अब आप लोग भाई हम टाइम अटैक खेले पानी से पार कर दिए उसको, ठीक। फिर यहाँ पे लोग एक्टिव स्किल डैमेज 350% इंक्रीज होने वाला है, मगर यहाँ स्ट्राइकर सपोर्ट लेवल फोर तक है, फिर अल्टीमेट ब्रेक। तो हाँ, ये सभी चीज़ें भी हैं यहाँ पर, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ें एकदम ही नए हैं, इनको हम स्किप करना प्रीफर नहीं करेंगे, क्योंकि भाई लोग नया नया माल है, पूरा ठेला लाल है। हाँ, अब हम लोग यहाँ अल्टीमेट ड्राइव का बात कर लें, ठीक। कैन बी यूज्ड व्हेन अटैक्ड, लिमिटेड टू स्टैंडिंग, एयरबोन और नॉकडाउन, मतलब आप लोग तीनों ही स्टेट्स में अपने यूज़ कर सकते हो। रीसेट्स एक्टिव स्किल कूलडाउन, एक्टिवेट्स फैंटम मोड एंड डिक्रीज स्किल कूलडाउन बाई 75% फॉर 10 सेकेंड। तो ये हम लोग फैंटम ड्राइव है, फिर यहाँ फैंटम ब्रेक है, कैन बी यूज्ड व्हेन अटैक्ड, रीसेट्स एक्टिव स्किल कूलडाउन अपॉन यूज, और ये हम लोग फैंटम अवेकन है, फिर ये हम लोग का अल्टीमेट ब्रेक है, ठीक। ये दोनों बीच का डिफरेंस है। फिर यहाँ फैंटम ब्रेक अल्टीमेट जो है ये क्या है, इसको देखना पड़ेगा। कैन बी यूज्ड व्हेन अटैक्ड, लिमिटेड टू, हम लोग सभी पोजीशन यूज कर सकते हैं। रीसेट एक्टिव स्किल अपॉन यूज, गेंस अल्टीमेट शील्ड विच एब्जॉर्ब नॉर्मल फैंटम डैमेज इक्वल टू 100% ऑफ ओन डिफेंस फॉर 6 सेकेंड्स। आप लोग ये चीज़ जब नोट किए, जैसे आप लोग मुकाई को लेकर खेलते हो, मैं काम करते आप लोगों को दिखा देते हैं, मगर उससे पहले हम यहाँ पर ये चीज़ों पर बात कर लें। तो पहले स्किल 1950% ऑफ अटैक हम लोग डील करने वाले हैं, फिर यहाँ फैंटम डैमेज डील करें 407% का ऑफ फैंटम अटैक, ठीक है। फैंटम अटैक हम लोग के यहाँ पे स्टैट्स हैं, जैसा कि आप लोगों को हम दिखाए, ठीक। यहाँ पे आप लोग फैंटम अटैक्स को देख सकते हो। फिर यहाँ पर हम लोग का फैंटम अटैक मोमेंटम हम लोग 3500 और पावर 3500 है, जो कि हम लोग और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, हम उसके ऊपर भी आएंगे। फिर यहाँ पे हम लोग का क्या है, चिशो, जो कि हम लोग का डैमेज डील करता है 1688% का। फिर यह फैंटम डैमेज इक्वल टू 520% ऑफ फैंटम अटैक, कैन बी यूज्ड व्हेन अटैक्ड, स्टैंडिंग एयरबोन दोनों पोजीशंस में। फिर इंक्रीज टारगेट डैमेज रिसीव बाय 100% फॉर 14 सेकेंड्स, डील फिजिकल डैमेज ऑफ 5000%। तो हाँ भाई लोग नंबर्स पागल हो गए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर और नीचे आते हैं तो थर्ड स्किल हम लोग का फैंटम डैमेज वापस से
कैन बी यूज्ड व्हाइल अटैक तीनों ही पोजीशंस में, हाई पावर आर्मर स्किल और उसके चेंज बेसिक अटैक टू रॉक थ्रो जो कि अभी आप लोग करके दिखाए, फिर डील फिजिकल डैमेज टू 1000% ऑफ अटैक। समझ रहे हो भाई लोग, कुछ नेक्स्ट लेवल का यहाँ पे मार हो रहा है। फिर यहाँ वापस लोग फैंटम अटैक डील कर रहे हैं और पेट्रीफाई भी हम लोग कर देंगे अपने ओपोनेंट को 5 सेकंड के लिए। फिर उसके लिए हम लोग शिकाय और बाकी सब ये सब चीज़ें हैं। और उसके बाद हम लोग बात कर ले, थोड़ा सा पीछे आते हैं हम लोग के यहाँ कोर हम लोग बात कर लिए हैं। हम लोग यहाँ पर आते हैं कोर में, ठीक है। ये हम लोग कोर बोर्ड है जहाँ पर ये सारे तो हम लोग को ऑलरेडी अनलॉक्ड थे जो कि आप लोग पहले जब पावर देख लिए होंगे, मगर यहाँ पर ये कुछ नए नए हम लोग पास चीज़ें हैं। यहाँ पर हम लोग पास मोमेंटम है और ओवर पावर है जो कि हम लोग को खास करके ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाला आगे गेम मोड्स में, जैसे कि हम लोग पहले ही बता दिया गया है कि हम लोग के स्टोरी मोड और बाकी जो गेम मोड्स है वहाँ पर फैंटम एनिमीज हम लोग को आने वाले हैं जहाँ पर हम लोग को ओवर पावर और मोमेंटम की जरूरत पड़ने वाला है। तो हम पर्सनली यही बोलेंगे आप लोगों के पास रीसेट के लिए कॉइन्स यहाँ पर हैं क्या एक्स्ट्रा, कि अभी शुरू के लिए ओवर पावर मोमेंटम को पहले फिलअप कर लो और उसके बाद इन दोनों को भी अपग्रेड कर लो, क्योंकि अगर आप लोग अल्टीमेट ब्रेक तो आप लोगों को अनलॉक करना ही पड़ेगा। कैन बी यूज्ड व्हेन अटैक रीसेट्स एक्टिव स्किल अपॉन कूलडाउन, रीसेट्स एक्टिव स्किल कूलडाउन अपॉन यूज गेंस एन एक्टिव अल्टीमेट शील्ड, जो कि आप लोगों को हम ये भी अभी करके दिखाएं। हम इसको एक बार लेवल अप कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया। फिर ये हम लोग का अल्टीमेट ब्रेक है। अब यहाँ पर सीन कुछ ऐसा है ना कि इसको भी आप लोगों को पूरा अवेकन करना पड़ेगा, ठीक। आप लोग इसको लेवल 5 तक लेकर जा सकते हो, मगर इसके लिए आप लोगों को कुछ रिसोर्सेज का जरूरत पड़ने वाला है। एक एक करके आप लोग अवेकन कर, टीयर 1 में हम लोग के पास क्या है, एक्टिव स्किल कूलडाउन रिसेट हो जाएगा, अल्टीमेट शील्ड मिलेगा, फिर उसके बाद हम लोग अल्टीमेट शील्ड का ड्यूरेशन और अच्छा 200% ऑफ ओन डिफेंस टीयर 3 में। यहाँ अब देखो यहाँ पे हम लोग का वही स्टैट्स है जो कि और भी इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पे 102% ऑफ ओन डिफेंस फॉर 3.3 सेकंड्स, यहाँ पे 3 सेकंड के लिए था। और उसके बाद यहाँ पे अल्टीमेट शील्ड इज ग्रांटेड टू ऑल टीममेट्स, ठीक। फिर यहाँ अल्टीमेट शील्ड डिफेंस 205% ऑफ ओन डिफेंस। तो ऐसे करके हम लोग का ये सब अनलॉक होंगे अलग अलग अवेकन लेवल्स पे। जैसे कि मेरा मुखा अभी लेवल 60 पर है तो हम उसको टीयर 2 ही दे सकते हैं, मगर जब हम उसको 90 तक लेकर चले जाएंगे तो ये स्टैट्स कुछ ऐसे बढ़ जाएंगे जो कि हम इसको अभी यहाँ पे कर दे रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे हमको क्लियरली दिखाया भाई अवेकन लेवल 60-70 चाहिए तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और उसके बाद देखो अब यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें हैं, हम एक काम करते हैं इसको भी अपग्रेड कर लेते हैं, इसको भी अपग्रेड कर लेते हैं, ठीक। और यहाँ पे हम अपना अटैक इंक्रीज कर लेते हैं। सीपी देख रहे हो कैसे भाग रहा है, 7,41,000, जबकि अगर हम खाली स्ट्रेट अवे यहीं पे आ रहे थे तो हम और भी अलग कर पाते हैं। मगर फिर भी देखो अभी पहले हम लोग को समझना है इन कैरेक्टर्स से खेलना कैसे है। तो अभी हम सिंपली कुछ भी नहीं करते, हम यहाँ पर किस गेम मोड में जाएं। और हाँ, आप लोग इन अल्टीमेट कैरेक्टर्स को लेकर यहाँ पे हम लोग टीम रियल डंजन में नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के पास 50 से लेकर 70 तक का इसको कॉस्ट होना चाहिए। मगर वहीं पर ये जो हम लोग का अल्टीमेट कैरेक्टर्स हैं ये सभी कॉस्ट 75 अगर आप लोग यहाँ नोट करो तो हाँ ये सबसे ज़्यादा महंगे कैरेक्टर्स हैं। अब देखते हैं क्या हम लोग के लिए अल्टीमेट कैरेक्टर्स के लिए एक अलग टीम रियल डंजन आएगा। हमको लगता है शायद आ सकता है, क्योंकि हम लोग को कुछ ना कुछ लोगों को नया देना ही पड़ेगा। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें एक गेम प्ले का, तो जैसे कि हम एक काम करते हैं हम टावर ऑफ ट्रायल्स में ही चलते हैं, ठीक है। हम लोग इसी को खेलते हैं, आप लोगों को यहीं पर दिखाते हैं अलग अलग इफेक्ट कैसे काम कर रहे हैं। और यहाँ पर टावर ट्रायल्स में हम लोग सिर्फ सीपी चाहिए, क्योंकि पुराना गेम मोड है तो मुकाय का सीपी मोर देन इनफ है, तो हम लोग कुछ खास दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पर। आई 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 ये जुलम जो देखें वो लोग समझ गए होंगे, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि हम लोग पास यहाँ पर 2 कूलडाउन्स हैं, ठीक। हम लोग दोनों को अनलॉक करते हैं और अल्टीमेट शील्ड पाने के लिए ना आप लोग यहाँ देख रहे हो फैंटम लिखा हुआ है, तो अल्टीमेट शील्ड पाने के लिए आप लोगों को फैंटम वाला बार पूरा फिलअप करना पड़ेगा। और फैंटम बार कहाँ से होगा, हम इसको किए। अब आप लोग देखो जैसे हम अटैक कर रहे हैं नीचे मेरा फैंटम वाला जो बार है वो भी थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ हो रहा है भाई, और ओपोनेंट्स आओ जल्दी, ठीक है। वो भी फिलअप हो रहा है, जब वो पूरा फिलअप हो जाएगा तो आप लोग फैंटम ब्रेक इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब आप लोग अल्टीमेट ब्रेक इस्तेमाल कर सकते हो जहाँ पे आप लोगों को अल्टीमेट शील्ड भी मिल जाएगा। और यहाँ पे अब देखो हम एक चीज़ दिखाते हैं, ये थर्ड स्किल। अब देखो खाली प्रोजेक्टाइल देख रहे हो आप लोग, थर्ड स्किल पे खाली एक ही बार टैप करना है और यहाँ पे हम लोग इसको इस्तेमाल कर लिए। और अभी हम लोग धाएँ खाली मारेंगे इसको, और हमको लगता है हम लोग शायद अल्टीमेट ब्रेक इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो पूरा फुल होने से ही हम लोग इस्तेमाल कर पाए अभी तक। तो
टास्क फेल सक्सेसफुली। मगर हाँ, आप लोग यहाँ पर एक चीज़ समझ चुके हैं, आप लोगों को अलग अलग इफेक्ट्स पे अलग तरीके से आप लोग को इस्तेमाल करना पड़ेगा। और हाँ, एनिमेशन सबको काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं इन नए कैरेक्टर्स के लिए। और अगर हम लोग बात करें टावर ऑफ इल्यूजन, तो एक बार वहाँ पर चल के खेलते हैं, ठीक, क्योंकि हम इसको लेवल 60 नहीं किए थे, हम इसको लेवल 50 पर ही रखे, तो उस समय हम एंटर नहीं कर पाए, तो खेल भी नहीं पाए उतने अच्छे से। तो हम लोग टावर ऑफ इल्यूजन को भी ट्राई कर लेते हैं। और यहाँ पर देखो, आप लोगों का लेवल 90 बस दिया हुआ है, ठीक, अब और ऐसे करके हम लोग का अप टू लेवल 126 दिया हुआ है। तो हमको नहीं लगता कि हम लोग के कैरेक्टर्स का लेवल का बात हो रहा है यहाँ पर, या हो भी सकता है, ठीक, मगर फिर तो भाई हम लोग तो शुरू में ही फंस जाएंगे। और यहाँ पर आप लोगों को कुछ रूल्स आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, जो कि आप लोगों को एकदम सिंपल भाषा समझा दे रहे हैं। आप लोगों का ओवरऑल पॉइंट जितना कम रहेगा, उतना आप लोगों को डैमेज डिक्रीज होगा जो आप लोग डील करोगे। और अगर आप लोगों का ओवरऑल पॉइंट 200 से कम रहा, तो आप लोग बिल्कुल भी कोई डैमेज रीच नहीं करने वाले हो, डील नहीं करोगे। और यहाँ पर हमको कहीं पर ओवर या हम लोग का ओवरऑल पॉइंट्स कितने चाहिए वो चीज़ तो नहीं दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पर खाली लेवल 90 मेंशन कर दिया। तो हम लोग एक बार खेल कर देखते हैं, क्या हम लोग इस बार कुछ कर सकते हैं। और हाँ, जो नए गेम मोड्स आए हुए हैं ना, यहाँ पे एपी भर भर के लग रहा है। तो हाँ, मगर अब चीज़ ये भी, हम लोग पास एपी के लिए फार्मिंग हम लोग बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, कि हम लोग 99,000 तक अनलॉक कर दिया गया है, टू बी प्रेसाइज 99,999, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक बार खेल कर देखते हैं, क्या हम लोग कुछ कर सकते हैं यहाँ पे, नहीं कुछ भी नहीं। तो हम लोग को अपने कैरेक्टर्स को गाइस अच्छा खासा अपग्रेड देना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग ऐसे ही यहाँ फंसेंगे, ठीक है। हो सकता है कि हम लोग एक सेकेंड, अगर लेवल 60 है, मुकाई फंस रहा है, हम इसको ये कर दिए, और भी देख मुकाई मर गया, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर ना किसी A70 लेवल कैरेक्टर लेकर आते हैं, रियू को लेकर आते हैं, वो A70 पे है, तो हो सकता है उसका ओवरऑल पॉइंट सफिशेंट होना चाहिए। मुकाई का 2250 है, रियू का 2400 तो हो गई होगा, ठीक है। हम एक टीम चेंज करते हैं, रियू, हाँ आप लोग देखते हो लेवल 70 पर आप लोग कैरेक्टर का ओवरऑल पॉइंट 2400 होने वाला है। और चलो एक बार खेल कर देखते हैं, क्या हम लोग सिर्फ डैमेज कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर ये लोग ऐसे फंसाने के लिए हम लोग खोज रहे हैं, तो फिर भाई हम लोग तो फंस जाएंगे। खुल जा भाई, अब चलो देखते हैं। हाँ, तो हाँ, आप लोगों को भाई अच्छा खासा अपग्रेड लेके आना पड़े, तभी आप लोग कुछ भी डैमेज डील कर पाओगे। रियू तो यहाँ पर सर्वाइव नहीं करने वाला, जैसे कि आप लोग क्लियरली देख पा रहे हो। तो हाँ, आप लोगों को जो अल्टीमेट कैरेक्टर से इन्हीं को ही अपग्रेड करके लाना पड़ेगा अच्छा खासा, तभी जाकर आप लोग यहाँ पर खेल पाओगे। और हम भी एक काम करेंगे ना, हम मौका ही कोशिश करते हैं लेवल 70 जितना जल्दी उसको उतना जल्दी करने के लिए, और फिर उसके बाद हम लोग इल्यूजन में आएंगे, तब हम लोग और भी ज़्यादा इसको अच्छे से खेल पाएंगे। और हाँ, एक शॉर्टकट आप लोगों को दे दे रहे कि आप लोग यहाँ डिस्पैच में इनके शॉट्स को फार्म तो कर ही सकते हो, होपफुली आप लोग सभी को पता होगा। और फिर भी अगर आपको नहीं पता है, तो आप लोग यहाँ पे जितने भी एस रैंक मिशंस हैं, जैसे कि हम यहाँ पे एक टू क्लोज कर देते हैं, इसको हम फास्ट फॉरवर्ड करके क्लोज करते हैं। देखा है पहली बार साजन के आंखों में प्यार, तुम पर चिकट, अच्छा ये क्या कर रहे हैं। हाँ, जैसे कि हम लोग के यहाँ एस रैंक मिशन आ चुका है, तो हम लोग यहाँ पर मुकाई को लेकर जाए, तो हम लोग को 60 शार्ट्स यहाँ पे मुकाई के मिल जाएंगे। और उसके काया शॉप से भी आप लोग और भी शार्ट्स कलेक्ट कर सकते हो, तो ऐसे करके आप लोग जल्दी फार्म भी कर सकते हो। और अगर आप लोग और भी जल्दी फार्म करना है, तो हम तो यही बोलेंगे आप लोग डिस्पैच टिकट्स हैं, इनका यूज़ कर लो धड़ाधड़ करके। देखो, हम रिकमेंड तो नहीं करते ये चीज़ करना, क्योंकि हम तो रिसोर्सेज को फार्म करके रखना यहाँ प्रीफर करते हैं, मगर आप लोगों को हम यहाँ करके दिखा दे रहे कि आप लोग ये सभी चीज़ें ट्राई आउट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि भाई लोग देखो, नया नया गेम मोड है, सभी को खेलने का एक्साइटमेंट होगा ही होगा, तो आप लोग ये सभी चीज़ें ट्राई आउट कर सकते हो। तो ये आप लोगों को बता दिए हैं, और ओवरऑल हमको नहीं लगता हम यहाँ कुछ भी मिस कर रहे हैं। हाँ, एक चीज़ जो आप लोगों को बता दें, कि आप लोग पावर ऑफ डंजन में आना, और यहाँ पर आकर ना जहाँ तक जा सकते हो उतना तक चले जाना। जैसे मुकाई मेरा 2500 के बाद और नहीं जा पा रहा है, ठीक, मगर रियू शायद हम लेकर खेल पाएंगे, मगर कुछ खास डैमेज हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रियू का डैमेज आउटपुट उतना ज़्यादा नहीं है। अल्टीमेट कैरेक्टर्स के स्टैट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे, जैसे आप लोग यहाँ खेल कर दिखाते हैं। हम रियू को लेके कुछ ज़्यादा खास डैमेज हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी वो ट्राई करके देखे हुए हैं, पर फिर भी लेट्स ट्राई वंस अगेन। और अल्टीमेट कैरेक्टर के स्टैट्स बहुत ज़्यादा है, HP बहुत ज़्यादा, डिफेंस बहुत ज़्यादा, तो लोग मरते भी नहीं है, मगर ये से ही मर जाते हैं। देख ना, रियू को भी लेकर हम यहाँ नहीं खेलते, या तो हो सकता है रियू का डैमेज बहुत ज़्यादा कम है, या फिर हम लोग का जो, जैसे कि आप लोगों को बताया कि जितना आप लोगों का ओवरऑल पॉइंट कम रहेगा, उतना ही आप लोग कम डैमेज डील कर पाओगे। तो आप लोग इसको खेलने के लिए एटलीस्ट A70 या फिर A75-80 लेवल का कैरेक्टर चाहिए। मगर यहाँ पे एक फनी चीज़ नहीं, गुड थिंग ये है कि अगर आप लोग यहाँ तक खेल लेते हो, जो कि आप लोग मुकाई को लेकर आराम से खेल सकते हो, हम मुकाई लेकर पहुँचे हैं, तो आप लोग जब भी इसको क्लियर करते हो, तो आप लोगों को 24 मिलते हैं।
और अगर आप लोग 10 एक ही बार में क्लियर कर देते हो तो आप लोग देख लो कितना मिल गया, 250 ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो आप लोग पास कैप्सूल्स का कमी नहीं है कैटर अपग्रेड करने के लिए। तो गाइस अब आप लोगों को बताओ कि क्या आप लोगों को कुछ समझ में आया या नहीं। ठीक है, हम कोशिश करें समझाने के लिए, क्योंकि ये एकदम ही नया हम लोग पास कॉन्सेप्ट आया हुआ है, और अच्छा खासा बिना अपग्रेड के हम लोग बहुत सारे गेम मोड्स को एक्सेस नहीं कर सकते उतना ज़्यादा अच्छे से। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को अधिकतर चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, फिर भी इनके साथ आपके कोई भी डाउट हो हमको एक बार नीचे कमेंट जरूर पूछना, हम कोशिश करें उनको अगले ही वीडियो क्लियर कर देने के लिए। और हम अब सोच रहे हैं कि कल हम समन कर दें एटलीस्ट जो मेरे पास ये सभी टिकट्स हैं इन सभी को लेकर। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि मेरे पास काफ़ी टिकट्स आए हुए हैं, और हम आप लोगों को यही रिकमेंड करेंगे एक बार वॉल्यूम 2 का वेट कर लो, उसके बाद ही इन रूबीज़ का इस्तेमाल करना। अगर आप लोग ऑलरेडी कर चुके तो कोई बात नहीं, रूबीज़ को फार्म कर लो या फिर जैसा ठीक लगे वैसा करो, हमको नीचे कमेंट्स पूछो, हम बताने की कोशिश करेंगे। और तो हाँ, तो हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आप लोगों को कुछ नया जानने सीख लिया मिला होगा। तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी डाउट्स हमको नीचे कमेंट जरूर पूछना। हेलो, मिलते हैं कल के वीडियो में, थैंक यू सो मच वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।